नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आपणा मंडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमें अपने दैनिक जीवन में कई सरकारी काम करवाने पड़ते हैं और उन सरकारी कामों को करवाने के लिए हमें सरकार द्वारा प्रमाण पत्र इशू किए जाते हैं। ये सारे ही प्रमाण पत्र आजकल ऑनलाइन तरीके से घर बैठे ही आप बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी कई वीडियोस में आपको कई तरह के प्रमाण पत्र बना करके दिखाए हैं, आपको जानकारी दी है कि आप किस तरह से घर बैठे ही अपने इन प्रमाण पत्रों को बनवा सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों, हम बहुत ही महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट की बात करने जा रहे हैं, जिसकी आपको कई तरह के कामों के लिए आवश्यकता पड़ सकती है। आज के इस वीडियो में दोस्तों, हम बात करेंगे चरित्र प्रमाण पत्र की। चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पहले पुलिस की रिपोर्ट लानी पड़ती थी दोस्तों, उसके लिए पुलिस थाने जाना पड़ता था, लेकिन अब पुलिस थाने जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऑनलाइन तरीके से ही पुलिस की रिपोर्ट ऑटोमेटिकली लग जाएगी। आइए देखते हैं दोस्तों कि आप घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर से किस तरीके से कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, हम लोग आ जाएंगे अपने कंप्यूटर के इंटरनेट ब्राउजर में और वहां पर टाइप करेंगे edistrict.hp.gov.in। ये एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वेबसाइट खुलते ही हम इसके होम पेज के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें क्लिक करना है सिटीजन लॉगिन के ऊपर। लॉगिन करने के लिए अगर आपने यूजर आईडी नहीं बनाया है तो लॉगिन करने के लिए आप ऊपर आई बटन में दिख रहे इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने बताया है कि किस तरह से आप यूजर आईडी बना सकते हैं। अब हमें क्लिक करना है अप्लाई फॉर न्यू सर्विस पर, तो हमारे सामने बहुत सारी सर्विसेज आ जाती हैं। यहाँ पर अप्लाई फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक कर लेंगे दोस्तों। न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हमारे सामने इस एप्लीकेशन का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर अब हमें सबसे पहले एप्लीकेंट्स पर्सनल डिटेल्स डालनी है। उसका टाइटल डालना है श्री, श्रीमान, श्रीमती या सुश्री। उसके बाद अपना नाम डालना है, जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों, और साथ में मोड ऑफ डिलीवरी डालनी है कि ऑनलाइन लेंगे या ऑफलाइन। यहाँ पर हमें ऑनलाइन ही रखना है, और साथ में अपना एक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर लेना है दोस्तों एप्लीकेंट्स इमेज के ऊपर क्लिक करके। ये सब करने के बाद हमें सेव का बटन क्लिक कर लेना है दोस्तों। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है, तो ओके का बटन क्लिक करने के बाद नेक्स्ट का बटन क्लिक कर लेंगे दोस्तों। एप्लीकेशन के सेकेंड स्टेप में मदर, फादर या हस्बैंड की डिटेल्स डालनी है। पहले रिलेशनशिप डालेंगे, सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी है। उसके बाद फादर का नाम और उसके बाद उनके भी फादर का नाम यहाँ पर डालना है दोस्तों। अब एक बार फिर से सेव और नेक्स्ट का बटन क्लिक कर लेंगे। अब हम लोग आ जाएंगे एप्लीकेशन के तीसरे स्टेप के ऊपर। यहाँ सबसे पहले कॉलम में देखिए रिलेशनशिप ऑफ एप्लीकेंट विद द लैंड ओनर। यहाँ पर आपको जमीन के मालिक के साथ, जहाँ आप रहते हैं वो जमीन जिसके नाम पर है उसके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो आपको यहाँ पर डालना है। अगर आपके अपने नाम पर जमीन है तो आप सेल्फ कर सकते हैं, अगर फादर के नाम पर है तो यहाँ पर फादर कर सकते हैं। सर्च लैंड रिकॉर्ड पर क्लिक करके आप अपनी नकल जमाबंदी भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पटवार सर्कल, विलेज और अपना एड्रेस डालना है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाउस नंबर और स्ट्रीट में अगर आप कोई एड्रेस डालना चाहते हैं तो वो एड्रेस भी सर्टिफिकेट के ऊपर आ जाएगा, वैसे ये मैंडेटरी नहीं है। साथ में ही पुलिस स्टेशन का नाम डालना है, और आइडेंटिटी टाइप में आपको अपना एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जिसकी एक कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। ये सारी जानकारी डालने के बाद सेव का बटन क्लिक करेंगे, डाटा सेव सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन आएगा, ओके का बटन और उसके बाद नेक्स्ट का बटन क्लिक कर लेना है। अब हम लोग आ जाएंगे अपने लास्ट स्टेप के ऊपर। यहाँ पर हमें अपनी एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं दोस्तों। सबसे पहले है रेजिडेंस प्रूफ। यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आपका एड्रेस पड़ा हो अपलोड कर सकते हैं। दूसरे में पुलिस वेरिफिकेशन, अगर आपके पास पुलिस थाने की रिपोर्ट है तो आप यहां पर अपलोड कर दें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये एप्लीकेशन तहसील से ऑटोमेटिकली पुलिस थाने चली जाएगी और वहां से आपकी थाने की रिपोर्ट भी ऑटोमेटिकली लग जाएगी। यही एक नई चीज़ अब इस एप्लीकेशन में आ गई है दोस्तों, अब आपको पुलिस थाने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तीसरे पॉइंट में फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लगाना है, जिसमें आपका कोई फोटो हो और आपका एड्रेस पड़ा हो, वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और नंबर चार में अदर डॉक्यूमेंट में आप अपने प्रधान या अपने पार्षद की दी हुई रिपोर्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। ये चारों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो फीस पेमेंट का भी ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों अपनी फीस यहाँ पर पे कर लेनी है, नेट बैंकिंग या एटीएम के थ्रू आप यहाँ से अपनी पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों पेमेंट करने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है, नोटिफिकेशन को ओके कर लेना है दोस्तों, और उसके बाद सबमिटेड एप्लीकेशन में या एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में आप अपने इस एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो दोस्तों तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और चैनल अपना मंडी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।